नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अशोक सिरा का पेज। मैं हूं समदड़ी से राजेश भाटी आपके साथ। दोस्तों, आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये समदड़ी से करमावा सिवाना जाने वाले लूणी नदी की रपट की। तो आपको बता दूं तो सूखड़ी नदी के अंदर पानी की आवक होने के बाद में लूणी नदी के अंदर पानी की आवक बढ़ गई है। और अभी लाइव आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें लूणी नदी समदड़ी की रपट की हैं। आप देख सकते हैं तेज़ गति से पानी बह रहा है और रपट पर तेज़ गति से इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं। और प्रशासन द्वारा भी बताया जा रहा है कि पीछे से पानी की आवक है। जो बांध था हिमावास बांध, उसका ओवरफ्लो है और तुलताना नदी के ऊपर से भी ओवरफ्लो होकर पानी बह रहा है। तो पाली वाला मार्ग था, वहाँ भी यानी कि पानी की रफ्तार के कारण बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी समदड़ी की ये जो लूणी नदी की रपट है, पूरी तरह से पानी बह रहा है तेज़ गति से और प्रशासन लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समदड़ी तहसीलदार हनुमत सिंह देवड़ा, समदड़ी थानाधिकारी शारदा बिश्नोई और समदड़ी विकास अधिकारी कन्हाराम पटेल सहित यहाँ पे लगातार अपनी विभागों के साथ में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पानी का प्रभाव आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है और लोगों को लेकर, यातायात को लेकर भी पुलिस प्रशासन के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। पानी की अधिक बढ़ोतरी हो भी सकती है, संभावना जताई जा रही है। अगर ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई तो उस पानी को रोक भी सकते हैं यातायात को और मार्ग को बंद भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार अपनी मुस्तैदी को लेकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं। दोस्तों, ये है लमदड़ी लूणी नदी के रपट का पानी, जो तेजी से बहता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपको मैं लाइव तस्वीरें बता रहा हूँ, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें। और ये मरुगंगा के नाम से जानी जाती है और किसानों के लिए ये किसी खुशियों से कम नहीं है, वरदान है, सौगात लेके आई हुई है और अब की बार एक अच्छी फसल होगी। ये देख सकते हैं लगातार पूरी रपट पे पानी बह रहा है और यहाँ पे अब की बार 5 वर्ष के बाद में लूणी नदी के अंदर पानी आया है और किसानों के तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए तो एक वरदान ये साबित होगी। खेतीबाड़ी के लिए तीन चार साल तक ये अच्छी, यानी कि कुओं के अंदर पानी का जल रहेगा। और कुछ दिन पहले तो किसानों के मौसी से आ गई थी कि इस लूणी नदी के अंदर पाली का काष्ठ का पानी आ गया था, तो पूरा गंदा पानी होने से लोगों के चेहरे मुरझा गए थे। सब जो खुशियाँ थी वो एक गम में बदल गई थी। फिर भी वो कहते हैं ऊपर वाला जब साथ होता है तो किसानों के लिए कुछ अच्छा ही होता है। तो वो पानी अब आगे बढ़ गया है, कास्टिक के साथ में मिक्स हो गया है और बढ़ जाएगा आगे, तो उसी की वजह से वापस ये ताज़ा पानी आ गया है। सूखड़ी नदी की आवक पानी की बताई जा रही है और ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ समदड़ी की लूणी नदी के अंदर से। ये है लूणी नदी का समदड़ी सिवाना जाने वाला सड़क मार्ग, जहाँ पर लूणी नदी की रपट पर यह पानी बह रहा है और पीछे से सूखड़ी नदी के पानी की आवक हुई है, उसकी वजह से आज पानी का वेग बढ़ा है और रात देर रात तक या सुबह तक इसका पानी और भी बढ़ सकता है और पीछे भी इसका पानी का वेग बढ़ाए बढ़ सकने को लेकर संभावना जताई जा रही है। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर मुस्तैद है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन के जवान लगातार आमजन से अपील कर रहे हैं कि भरावारी इलाकों से दूर रहे और पानी के अंदर जाने की कोशिश न करें। उसके बाद भी कुछ लोग पानी में जाने की, आगे खाडो भी है, अनसाइड में जा दो, वन साइड आलो, वन साइड लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड तक कुछ लोग ये सेल्फी के चक्कर में जो अंदर जा रहे हैं, तो उन लोगों से भी मेरा आग्रह रहे कि ऐसे इलाकों पे मैं सेल्फी के चक्कर में अपनी जान न गवाएं। बाड़मेर के अंदर आपने देखा होगा पिछले ऐसे कई हादसे हुए हैं जहाँ परिवार वालों के लिए कई मुसीबतें खड़ी हुई है। तो हमारे साथ में आप, मैं आपको बता दूं तो समदड़ी के पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं, आने जाने वालों को, लोगों को, उनको यातायात भी दे रहे हैं। सेल्फी के चक्कर में लोग आ रहे थे, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ में हेड कांस्टेबल है हरिशंकर जी, हम उनसे भी जानेंगे कि पानी की स्थिति को लेकर या फिलहाल पानी कम स्थिति में है तो यातायात निकलने की बनी हुई है, अगर ज़्यादा हो गया तो रोक दिया जाएंगे।
प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। पानी की लगातार बढ़ोतरी हो भी रही है और तो दोस्तों आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाड़मेर के समृद्धि के लूणी नदी की रपट से हम आपको दिखा रहे हैं। लूणी नदी में पानी की आवक एक बार फिर वापस तेज हो गई है और सुकड़ी नदी का पानी आने के कारण और रात देर रात तक पानी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद हैं। और आमजन से एक बार फिर वापस मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भरावार इलाकों से दूर रहे, नदी नालों से दूर रहे, तालाबों से भी दूर रहे, नहाने का प्रयास न करें और कोई भी अगर बच्चे किसी के साथ में जा रहे हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान रखें और ऐसे नदी नालों से दूर रखें, नहाने के लिए न जाने दें। और कोई अगर ऐसा दिखे तो आप भी उनको रोकने की कोशिश करें और न रुके तो आप प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि ऐसे कई परिवारों के लिए बहुत बड़ी घटनाएँ होती है, तो उनसे बहुत कुछ कह नहीं सकते, उसका कुछ छीन जाता है। और एक परिवार के लिए तो उनके लिए अगर वो कहते हैं ना सब कुछ वही होता है, बेटा होता है या बाप होता है या भाई होता है, तो ऐसे आंसुओं को देखकर दिल दहलाने वाले को डर लगता है। तो ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं, तो उनसे सबक लेते हुए ऐसे आंसुओं से दूर रहें। और आमजन से एक निवेदन रहेगा कि भरा वाले इलाकों से लोगों को दूर रखें और पानी में न जाने दें, और हो सके तो आमजन अपने बच्चों का विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ में, लाइक व शेयर जरूर करें, हर पल की अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल ये समदड़ी की लाइव तस्वीर मैं आपको सामने साझा कर रहा हूँ। लूणी नदी की रपट है, समदड़ी से सिवाना जाने वाला ये सड़क मार्ग है, जिस पर तेज गति से पानी बहता हुआ पूरी रपट पे पानी बह रहा है और आज पानी की आवक हुई है और रात देर रात तक इसकी संभावना बताई जा रही है कि ये पानी बढ़ सकता है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए, हर पल की अपडेट आपको अवगत कराएंगे। शुक्रिया दोस्तों।